नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवादित एक फैसले की। जानकारी ये मिल रही है, विद्यार्थियों के बड़े आरोप हैं कि पीसीएस में स्केलिंग को हटा दिया गया है, जिससे मानविकी के जो विद्यार्थी हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं या बाहरी जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनका ज़्यादा चयन हो रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं जो ज़्यादातर मानविकी के विषय लेते हैं, इतिहास भूगोल इत्यादि, उनका नुकसान हो रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी पहले लोक सेवा आयोग गए थे और वहाँ पर ज्ञापन दिया था इन विद्यार्थियों ने। विद्यार्थियों ने मांग की थी कि लोक सेवा आयोग इस बारे में स्पष्ट करे कि पीसीएस 2018 का जो परिणाम आया है उसमें स्केलिंग लागू हुई है या नहीं हुई है। लोक सेवा आयोग ने कुछ जवाब नहीं दिया है। और इसके बाद में विद्यार्थी बहुत सारे जो हैं वो हाईकोर्ट भी चले गए। हाईकोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएँ दाखिल की हैं, जिसमें से एक याचिका की सुनवाई कल होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जो लखनऊ खंडपीठ है, लखनऊ सुनवाई होनी है। फैजल अंसारी पिटिशनर हैं और 16 नंबर पर यह सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगी मैं दे दूंगा। एक इसके बारे में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी तरीके एक और केस था, वो ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, अभी तक लेकिन सुनाया नहीं गया, एक महीना हो गया है। प्रयागराज के ही एक विद्यार्थी अमित कुमार पांडे ये आपको बताएंगे कि स्केलिंग क्यों जरूरी है और विद्यार्थी क्यों मांग कर रहे हैं कि स्केलिंग को पुनः लागू किया जाए। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 पीसीएस का परिणाम जारी किया गया। इस परिणाम को जारी करने के बाद एक स्केलिंग का मुद्दा सामने उभर के आया है, जिसको लेके बहुत से अभ्यर्थियों के मन में असमंजस और असंतोष पनप रहा है कि ये स्केलिंग क्या होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्केलिंग क्यों किया जाता है और स्केलिंग ना करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। दोस्तों, मैं इन्हीं तीन बातों को आप लोगों को सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बताते हैं स्केलिंग क्या है। तो दोस्तों, स्केलिंग एक प्रणाली है जिसके द्वारा अव्यवस्थित एवं असंतुलित आंकड़ों के मध्य संतुलन एवं समानता स्थापित किया जाता है। यह संतुलन और समानता संख्यिकी सूत्र के माध्यम से कुशल विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी आंकड़े में हेर फेर हुआ तो परिणाम में बहुत व्यापक अंतर आ सकता है। दोस्तों, अब बात होती है कि यूपी पीसीएस में स्केलिंग क्यों किया जाता है। यूपी पीसीएस में एक अनिवार्य विषय होता है, कोई भी अभ्यर्थी अपनी मनपसंद का कोई भी विषय ले सकता है, उसको चयन की स्वतंत्रता है, जो कि 400 अंकों का होता है। तो इसमें अनिवार्य क्यों पड़ता है स्केलिंग करना, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि गणित विषय लेता है और दूसरा व्यक्ति इतिहास ले लेता है, गणित विषय के जो प्रश्न होते हैं उनकी प्रश्नों की प्रवृत्ति में अंतर होता है और इतिहास विषय के प्रश्नों की प्रवृत्ति में भी अंतर होता है। ये मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे गणित का कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने गणित ली और उससे 10 अंक का एक ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताओ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो उस बच्चे ने अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी लिख दिया तो उसको 10 में से 10 अंक मिलेंगे। परीक्षक के ये उसके अंक काटने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी और परीक्षक भी उसमें कुछ अपना विवेक के द्वारा कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक निश्चित आंसर है। यहीं पे यदि कोई एक बच्चा इतिहास विषय लेता है और उससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप हमको ये बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, तो दोस्तों ये एक सब्जेक्टिव प्रश्न है, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। तो इस विषय को कोई बच्चा लिखता है कितना भी अच्छा लिख देगा, उसको पूरे अंक मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव बात है। इतिहासकारों में स्वयं मतभेद है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे कई प्रश्न हैं, जैसे फिजिक्स में कोई फार्मूला पूछ लिया कुलाम्स ला, या कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री में पूछ लिया गया, तो उन विषयों की ये विशेषता है कि उनमें अंकों के कटने की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन इतिहास जैसे समाज कार्य एक विषय है जो यूपी में बहुत पॉपुलर है, उसमें ये पूछा जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इन विषयों का एक निश्चित आंसर दे पाना कठिन है, क्योंकि हर परिस्थिति में महिलाओं में क्या हम समझते हैं क्या, हर क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाओं की अलग समस्या है, निम्न क्लास की महिलाओं की अलग समस्या है, या हर व्यक्ति की अलग समस्या है, हर व्यक्ति का सोच अलग होता है। तो दोस्तों इन्हीं के मध्य जैसे अगर गणित में कोई बच्चा 400 में 400 अंक पा गया और हिस्ट्री में कोई कितना भी अच्छा लिखेगा तो 280 से ज़्यादा नहीं पा सकता। तो इन्हीं 120 अंकों का जो अंतर आ रहा है, इन्हीं अंकों अंतर को समाप्त करने के लिए स्केलिंग
प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो कि 1996 से अपनाई जा रही। अब यदि हम स्केलिंग ना करें तो क्या परिणाम होगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश में अधिकांश, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में 70% के लोग गांव में रहते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का जो विषय है वो हिंदी माध्यम है और मानविकी विषय है। यदि मानविकी विषयों के छात्रों का चयन प्रशासनिक सेवा में नहीं होगा तो प्रशासन में जो संवेदनशीलता, सहजता और सरलता की आवश्यकता होगी वो समाप्त होने लगेगी और तकनीक विषय बहुत हावी हो जाएंगे और एक मशीन की भर्ती होने लगेगी जो कि संवेदना के स्तर से शून्य होंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और संख्यापी पे जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। तो ये सुना आपने, अमित कुमार पांडे हैं, प्रयागराज में रहते हैं। इन्होंने आसान भाषा में बताया, सरल भाषा में बताया कि स्केलिंग क्यों ज़रूरी है। स्केलिंग लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हमेशा रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग विषय की जो इन्होंने बात करी। लेकिन विद्यार्थियों का आरोप है कि लोक सेवा आयोग जैसे प्रभात कुमार जी चेयरमैन आए हैं तब से धड़ाधड़ वो नए नए फैसले ले रहे हैं और फैसले लेते समय ये भी नहीं समझते हैं कि आखिरकार इसका विद्यार्थियों में क्या प्रभाव पड़ेगा और भर्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।